straight, yeah, but all of them. सबसे पहले घर में शूटिंग करना तो बहुत ही आसान है बिकॉज यू आर कंफर्टेबल क्योंकि आप घर पे ही हैं, लेकिन अम्मा के साथ शूट करना इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, और स्पेशली उनके लिए एक मेकओवर करना क्योंकि वो शी इज़ अ डिफिकल्ट कस्टमर टू प्लीज़, और एशियन पेंट्स और पेपर फ्राई दिव्या जो इस फिल्म की इस शो की प्रोड्यूसर हैं हम सब वो जानते थे, सो वी वर स्पेशली नर्वस टू वर्क विथ हर, लेकिन हमने अभी पहला एपिसोड देखा है उनके साथ जो हमने शूट किया एंड इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल. पटौदी हमारा घर है और ऑब्वियसली हम बहुत ही इमोशनल हैं पटौदी को लेकर, तो वहाँ पे यू नो पहली बार वॉलपेपर लगाना वाज अ बिग स्टेप फॉर माय मदर, तो ऑल दोज थिंग्स आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग टू वर्क इन दैट स्पेस, लेकिन मुझे बहुत मजा आया. एक्चुअली बोथ दिव्या एंड मी थॉट इट वाज अ गुड आइडिया, क्योंकि मैंने ही पूछा दिव्या से कि अगर हम अलग अलग घरों के मेकओवर कर रहे हैं तो क्या हम पटौदी, अभी मुझे मालूम है कि भाई और करीना पटौदी को रेनोवेट कर रहे हैं, एंड आई थॉट दैट इफ दे डूइंग दैट इट वुड बी नाइस टू इनकॉर्पोरेट सम ब्यूटीफुल नीलाय बाय एशियन पेंट्स वॉलपेपर, इट वुड बी नाइस टू ट्राई आउट दिस कॉन्सेप्ट ऑन अ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड सी इफ इट वर्क्स ऑर नॉट, एंड आई टोल्ड दिव्या टू स्पीक टू अम्मा बिकॉज आई एम अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ हर, सो दिव्या कन्विंस्ड अम्मा एंड both of us, I think it was our brainchild. We got emotional while shooting, while hosting. I always get emotional. आप मुझे अम्मा अब्बा की मतलब शादी की तस्वीर दिखा दो तो वैसे ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ. पटौदी मैंने पहली बार एक्चुअली लाइफ में एक एरियल शॉट देखा है पटौदी का विच दे हैव टेकन फॉर दिस शो, तो दैट वॉज अ रियली न्यू विजुअल फॉर मी. और फिर पटौदी के बारे में सुनना कि वैन इट वॉज बिल्ट एंड दैट यू नो माई ग्रैंड फादर बिल्ट इट फॉर माई ग्रैंड मदर जब उनकी शादी हुई थी, क्योंकि ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ भोपाल जो एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली स्टेट है, और पटौदी एक छोटा सा गाँव था, तो टू इम्प्रेस हर एंड हर फैमिली ही मेड दैट हाउस. सो ऑल दीज रोमांटिक स्टोरीज मेक यू इमोशनल. वेरी सून यू विल बी हैविंग अ न्यू मेंबर इन योर फैमिली. यस. हैव यू डेकोरेटेड द रेनोवेटेड मेज़ ऑफ हर रूम? व्हाट हैव यू? ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लेवर. कैसे जोड़ते हो सवालों को? No, but it's a good question in terms of make. It is, yes, it is related absolutely to a makeover show. But I have to say that when it comes to, they are of course, I'm sure, I'm not aware, but I think they have ideas of what the baby room should look like. And at this point, I'm not involved in the renovation, but I hope to see it soon and we're all very excited. Will we see it in the next season also then? Probably not, because I think by the next season it'll be too late. जब तक तो सब कुछ रेडी हो जाएगा होगा. एक्टिंग कर ली, अब होस्टिंग, तो कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे एक्चुअली पहला प्यार तो एक्टिंग से ही है, लेकिन इसमें जो मज़ा आया वो अलग ही था बिकॉज आप अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सरप्राइज एलिमेंट है इसमें, एक रियलिटी टेलीविजन का जो एक्साइटमेंट है कि आपको मालूम नहीं कि सामने वाला क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है. जैसे कि एक लड़का था अमन जिसको हमने सरप्राइज़ किया, तो मैं एक्चुअली उनके घर की चाबी हमें मिली 7 बजे सुबह के, मैं उनके घर के अंदर घुसी हूँ, उनका बेडरूम दरवाज़ा खोल के उनको बिस्तर से उठाया है मैंने, जो मैंने लाइफ में किसी के साथ नहीं किया है. और वो उनका जो सरप्राइज़ वाला रिएक्शन था 100% जेन्युइन है, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आया कि मतलब आप सुबह सुबह हमें कैसे उठा सकते हो टेलीविज़न क्रू के साथ. So we had to calm him down then, but Aman was very gracious about it. But all those things, I mean, फिर कैलाश अंकल जो एक और पार्टिसिपेंट थे इस शो पे, वी रीडिड हिज रूम विच इज़ वेरी इमोशनल बिकॉज ही लॉस्ट हिज वाइफ मेनी ईयर्स अगो एंड आफ्टर दैट दे हैव नॉट लिव्ड इन दैट रूम, तो वो बहुत ही इमोशनल स्टोरी था हम सब के लिए, एंड वी वर वेरी ऑनर्ड दैट दे इनवाइटेड अस इनटू देयर हाउस एंड वी गॉट टू डू अप दैट रूम. तो ऐसे बहुत मतलब अलग अलग लोगों के साथ जब मुलाकात होती है ना, तो इट्स नाइस. एज़ अ मस्ट हैड, यू नो, एज़ अ मस्ट हैड, जस्ट राइट नाउ वी सॉ द एमी, यू नो, व्हेन शी सेड इजी टू प्लीज करीना, शी सेड वाओ.
She said it's easier to please Kareena than it is to please Bhai. Is Bhai pleased? He is pleased. We are so relieved, actually, that he is pleased. And he especially said that I love the wallpaper, which was a beautiful blue color, again, Sabyasachi designed wallpaper by Nilaya Bayeshan Paints. And he loved that in particular. It's very, very personal to him, the whole space. And both him and Kareena have loved it, which is a big relief. So, how was Kunal's reaction as you were hosting? He said good luck he is very supportive और शूटिंग तो पूरी मुंबई में ही थी तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा सिर्फ एक जो हमने पटोदी में किया सो ही इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव I actually have been living in this house now for 3 years, 3 saal ho gaye hain. Aur Kunal, maine aur amma ne aur hamare jo ek interior designer thi Darshanisha sab ne isme haath bataya hai. We've used a lot of my mother's ideas kyunki wo bahut hi matlab unke design styles ideas bahut hi acche hain. I have used Asian paints in my house as well. I do have furniture from Pepper Fry and I can attest that both of them are very, very good people to work with. So it's a joint enterprise. Apart from this, what else is there about it? What's happening with this? Well, I'm excited कि सितंबर में एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है इट्स कॉल्ड October 31st, 1984 ऑफकोर्स जैसे आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी October 31st पे तो उस हादसे के डेढ़ दिन बाद क्या बीतती है एक फैमिली के ऊपर और एक सरदारनी का रोल निभा रही हूँ मैं सो ऑब्वियसली एन इमोशनल रोल बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इट्स एन एज ऑफ द सीट एक्शन थ्रिलर सो वे एक्साइटेड अबाउट दैट Okay, apart, something out of the box, the last one. Okay. There's a process going on in the industry where biopics will be made on R.D. Burman. Mm. And there are also reports Amir Khan to play R.D. Burman. Asha Bhosle will be played by Priyanka Chopra. Your take? There are lots of biopics, some good and some not so good, that are being made. I'm a huge Amir Khan fan. And I think that whatever he does, he really invests himself in it. So I think that if he's going to play it, then the production house is very lucky. R.D. Burman? And a huge fan of his music. Looking forward to it. Lots of respect for Priyanka Chopra. I don't know much about the project at all. I'm sure that all of you know more than me. I think that it's already sounding like it's off to a good start. Thank you so much. So, remove this. Then, Nikala.